अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं DHA और ये तीन तलवार की तरफ पार्क है। ये पार्क में मैं आई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत सेट नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वॉक की जाए। तो वॉक करने के दौरान यहाँ की वॉक भी आपको दिखाई जाए कि यहाँ का पार्क कैसा है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, DHA के तमाम लोग जो है यहाँ पे वॉक के लिए आते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग में भी ओपन है और इवनिंग में भी ओपन है, और संडे वाले दिन लोग अक्सर फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आते हैं। तो काफ़ी बड़ा एरिया बनाया है इस पार्क में, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो है बच्चों के लिए झूले भी बनाए हैं और काफ़ी साफ़ सुथरा सा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं अक्सर यहीं पर आती हूँ। तो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ संडे वाले दिन अक्सर अमूमन बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। संडे वाले दिन तो बहुत ज़्यादा रश होता है, और क्योंकि लोगों की ऑफ होती है, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आते हैं, इंजॉय करते हैं। और यहाँ कैंटीन भी है, यहाँ बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है, यहाँ पे काफ़ी सारे ग्राउंड्स ऐसे हैं जो कि बच्चे यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं, और उन्होंने एडमिशन भी लिए हुए हैं यहाँ पर। इनके उस्ताद आते हैं उनके साथ, उनको यहाँ पे आके खेलते हैं। और साथ ही अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार भी है, अगर आप चाहें तो यहाँ जा सकते हैं। जो काफ़ी काफ़ी दूर से आते हैं वो अक्सर जाते भी हैं यहाँ से, क्योंकि उनको नज़दीक भी पड़ता है। और ये मैं आई थी शाम के टाइम, तो शायद आपको सही वीडियो नज़र नहीं आ रही है। तो मग़रिब का टाइम था उस वक्त, तो लाइटें ऑन हो चुकी थी सारी। तो ये देखें आप, अच्छा जो बच्चों के जो थे झूले इन्होंने रखे थे, तो उसमें टिकट्स वाले भी थे और जो आम होते हैं वो भी थे। और यहाँ पे फुटबॉल्स का गेम भी होता है, यहाँ पे स्केटिंग होती है, यहाँ पे जो है इन्होंने एक छोटा सा चिड़ियाघर की तरह भी बनाया हुआ है, काफ़ी सारे बर्ड्स भी रखे हुए। तो यानी बच्चों के लिए बहुत इंटरटेनमेंट की चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे, और बच्चे यहाँ पे आके बहुत खुश होते हैं। कैफेटेरिया भी बनाया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पे जो साफ़ सुथरा जो है एरिया, साफ़ सुथरा एरिया है बहुत, आके यहाँ पे दिल खुश होता है। साफ़ सुथरी जगह मिलती है, सुकून मिलता है, और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। और मैच हो रहे हैं यहाँ पे, बच्चे जो है ट्रेनिंग के लिए आए हैं, कुछ बच्चे जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ जो सिखा रहे हैं, तो उनके जो पेरेंट्स भी आए हुए हैं तो अपने बच्चों का साथ लाते हैं, वो अपने बच्चों की जो एक्सरसाइज है वो सब देख रहे होते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है उनको, उनके जब बच्चे जो अच्छी चीज़ें खेल रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा सा माहौल बना होता है यहाँ का। तो आप भी अगर एडमिशन करना चाहते हैं यहाँ पे आके, तो ये मैं अपने लिंक में इनका नंबर दे दूँगी, तो आप इनसे रुजू कर सकते हैं, आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और इस पार्क की सैर कर सकते हैं। ये बहुत ही नाइस पार्क है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप भी यहाँ पे आके ज़रूर देखें और आपको भी यकीनन पसंद आएगा। तो ये हर चीज़ मतलब आपको मिल जाएगी, साफ़ सुथरे होने की वजह से लोग ज़्यादातर आते हैं। और पहले तो बहुत कम लोग आते थे, मगर जैसे 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 लोगों ने ये चीज़ महसूस किए कि यहाँ पे आके बड़ा सुकून मिलता है और साफ़ सुथरा सा है, जाहिर सी बात है लोगों को ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, साफ़ सुथरी चीज़ें, तो लोग वहीं का सर्वे करते हैं और वहीं जाते हैं। और बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो आप यकीनन ज़रूर आए यहाँ पे, आपको भी अच्छा लगेगा। तो बच्चों के लिहाज से अब भी अच्छा है और वॉक के लिहाज से भी अच्छा है। ये स्क्रीन पे मैंने नंबर शेयर किया है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें देखने में आती हैं और आपको ये छोटे देखिए बच्चों के झूले भी बनाए हुए हैं, साथ ही में झूले भी हैं, स्केटिंग भी है, और स्केटिंग भी बच्चे कर रहे हैं। छोटे छोटे से बच्चे आए हुए थे, बड़े अच्छे प्यारे लग रहे थे बच्चे, और स्केटिंग करते हुए।
यहाँ पे इन्होंने बर्ड्स रखे थे और ये चलते हैं। काफ़ी पिंजरे खाली भी थे मगर जो थे जिसमें मौजूद थे, आप यकीन करें मुझे ये जो चीज़ देख के बड़ा अफसोस हुआ कि इनके लिए खाने पीने के इन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया था। पार्क तो बहुत अच्छा था मगर जो गलत बात थी वो गलत है। परिंदे हैं, जानदार चीज़ है, तो उनके लिए जो यहाँ पे खाने पीने का जो सामान था वो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सारे जो इनके जो प्याले थे वो बिल्कुल खाली हुए थे और कोई दाना पानी कुछ भी नज़र नहीं आया मुझे, और काफ़ी भूखे लग रहे थे मुझे। तो ये जो साथ में जो लोग आए हुए थे, छोटी मोटी जो चीज़ें खा रहे थे वो ही डाल रहे थे, और मैंने बच्चों को डालते हुए पिंजरे में देखे थे तो वो ही खा रहे थे। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जानदार चीज़ें, और अल्लाह पाक ने हमारे हाथ में अगर इनके देने के लिए बनाया है तो इनका ख्याल भी रखें। तो अगर आप रखते हैं तो कम से कम इनका ख्याल भी रखें, अगर घर में पाले हुए तब भी आप रखें, अगर गार्डन में हैं तो तब भी, तो इनका प्रॉपर तरीके से ख्याल रखें, ये भी जानदार चीज़ें। ये आप देख रहे हैं ये टर्टल्स हैं, ये मुझे तो बिल्कुल, मैं समझी ये पत्थर है मगर जब करीब से देखा तो ये टर्टल्स थे, मगर बहुत बुरी कंडीशन में थे, और इस तरह नहीं होता ऐसा तो। मगर मेरा यही कहने का मतलब है कि इनका प्लीज़ ख्याल रखा जाए, अगर इनको रखा हुआ है तो इनका भी ख्याल रखा जाए। सारे पिंजरे जो थे थोड़े बहुत इन्होंने रखे हुए थे और थोड़े जो खाली थे। ये चाइनीज़ मुर्गी बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। बहरहाल चाइनीज़ शायद, काफ़ी सारे लोग जो यही कह रहे थे चाइनीज़ मुर्गी, मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो मैं तो यही कहूँगी चाइनीज़ मुर्गी, क्योंकि लोग जब कह रहे थे मुझे भी, मैंने कहा शायद हो सकता है कि चाइनीज़ ही मुर्गी हैं। बस आपसे यही गुजारिश है, आप जब भी जाएं और अगर आप देखते हैं परिंदे हैं तो आप कुछ ना कुछ इनके लिए ले जाया करें, ताकि ये जो है जानदार चीज़ ये खा के दुआ देंगे और आपको भी सवाब मिलेगा। तो अच्छा लगता है परिंदों को दाना डालना, अक्सर लोग जो कबूतरों को दाना डालते हैं, खाने पीने के सामान ले जाते हैं, कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं तो अपने साथ ऐसी चीज़ें ले जाते हैं जो कि अगर नज़र आए इनको तो ये डाल देते हैं, तो अच्छी बात है और अल्लाह भी खुश होता है ऐसी चीज़ों से। अब हम आए हैं यहाँ, ये जो था बच्चों के बच्चे छोटे बच्चों के झूले थे, तो ये बिल्कुल जैसे 1 साल के बच्चे होते हैं, ये उनके लिहाज से ही बनाए हुए थे, तो अच्छी चीज़ थी ये भी, पायदार चीज़ थी, कोई ऐसी मसला नहीं था, बच्चे बड़े कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे अपने आप को और बच्चे खुश हो रहे थे बैठ के। अच्छी चीज़ें इन्होंने बनाई हैं बच्चों के लिए, 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए, इसे भी 2 या 3 साल के बच्चे के लिए बैठ सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। ये सामने कैफेटेरिया बनाया था इन्होंने, तो ये सामने कैफेटेरिया है, यहाँ चाय मिल जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें खाने पीने की मिल जाती हैं। आप रात के टाइम देखें कितनी अच्छी इसके लुक लग रही है, और जो लाइटें हैं इसको और मज़ीद खूबसूरत बना दिया है लाइटों ने, तो आप यहाँ ज़रूर आएँ, आपको भी अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर। यहाँ काफ़ी सारी फैमिलीज अपने आई थी मगर बहुत कम थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि ये जो संडे वाले दिन ज़्यादा रश होता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो अक्सर लोग जो है वो छुट्टी का इंतज़ार करते हैं कि छुट्टी होगी तो वो अपने बच्चों को फैमिली के साथ लेके आएंगे यहाँ पे, और आते भी हैं, एंजॉय करते हैं उनके बच्चे यहाँ के। तो आप भी देखें, कम लोग थे बहरहाल। ये एक झूला था, इन्होंने कार बनाई हुई थी और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो अक्सर ये साथ में ही दूसरे भी झूले थे, तो
व्यूवर्स वीडियो को पूरा देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो आपको कैसी लगी है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये वीडियो बहुत मुश्किल से बनाई है। उस वक्त मेरी तबीयत भी सेट नहीं थी और मैं जब आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी आके सैर कर, मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना है आप लोगों ने, इसलिए कि बहुत मुश्किल से बनाई है मैंने ये वीडियो। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है और कमेंट्स में ज़रूर करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और लास्ट तक देखा करें आप इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।